स्पाइसी किचन में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, आपके घर में बहपर लक्ष्मी समृद्धि का आगमन हो। और आज मैं बना रही हूँ दिवाली स्पेशल थाली। तो माता रानी को खीर बहुत पसंद है और आज दिवाली वाले दिन हमारे रोड बनता है, तो मैं मीठे में पुए और छेने की खीर बनाऊंगी। आइए मैं पूरी प्रोसेसर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम गुड़ को भिगो देंगे और ड्राई फ्रूट को भी भिगो देंगे, बादाम, काजू और पोस्तदाना, इन सबको भिगो दिया है। अब थोड़ा सा आटा लेंगे और ये जो भीगा हुआ गुड़ था डिजॉल्व हो चुका है वो इसमें डाल देंगे। जैसे हम बेसन की पकौड़ी के लिए बेसन फेंटते हैं, इसी तरीके से विस्टर से गुड़ डाल के इसको फेंटते रहेंगे। गुड़ भीगा हुआ है इसलिए तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा। देखिए जितने अच्छे से हम फेंटेंगे उतने अच्छे हमारे पुए बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे, अंदर से हार्ड नहीं रहेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, कसा हुआ नारियल गोला, वाइट वाले तिल, सफ़ेद तिल जो होते हैं रोस्ट करे हुए, और इलायची पाउडर, सौंफ। अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको हम रख देंगे एक साइड में, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा इसका और हम जब तक छेने की खीर तैयार करते हैं। तो 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध है, इसको गाढ़ा कीजिए। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बटर स्कॉच का कस्टर्ड। इससे बहुत ही अच्छी स्मेल भी रहती है और इसकी मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। थोड़ा थिक भी हो जाएगा, ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, थोड़े से गार्निश के लिए रोक रखे हैं मैंने, बाकी पिस्ता और बादाम डाल दिए हैं। अब थोड़ा ये गाढ़ा हो गया है, अब इसमें इलायची पाउडर और चीनी डालेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे छेना। तो 1/2 लीटर दूध में नींबू का रस डाल के मैंने छेना एक दिन पहले निकाल लिया था और इसको वॉश ज़रूर करिएगा पानी से। 1/2 लीटर दूध को गर्म करेंगे, उसमें नींबू का रस ऐड करते जाएंगे, दूध फट जाएगा तो उसको निकाल लेंगे और वॉश करके रख देंगे। ये मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था क्योंकि समय की बहुत कमी होती है। अब इसको हथेली से बहुत अच्छा मैश करेंगे, इतना जो इसमें छेने में जो दाना दाना होता है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, चिकना सा एक पेस्ट बन जाना चाहिए। ना हम मैदा ऐड करेंगे, ना कॉर्नफ्लोर, ना कॉर्न स्टार्च, कुछ भी नहीं, प्योर बनाएंगे, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। प्योर ले लिया, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब चीनी ऐड करिए, चीनी और इलायची जब उबाल आ जाए तो पानी में एक के बाद एक हम रसगुल्ला डालेंगे। अपना हथेली में थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और गोल करेंगे, बिल्कुल ईजी सा हो जाएगा और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और दूसरे ये फटेंगे भी नहीं। 1 by 1 मैं डालती जाऊंगी और देखिए एक भी नहीं फटेगा। सभी को उबाल लिया है, पूरे 5 से 7 मिनट लग गए हैं ये मुझे। अब इनको ठंडा करने के बाद में हम जो छेने का दूध तैयार करा था उसमें डाल देंगे। तो हमारी छेने की खीर कंप्लीट हो गई है। अब हम पुए सेकेंगे, कढ़ाई में ऑयल रखिए, ऑयल जब गर्म हो जाए उसके बाद में हम पुए डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे, ना मीडियम रखेंगे ज़्यादा ना हाई रखेंगे, और बहुत बढ़िया से क्रिस्पी करेंगे हम अपने पुए। पुए करारे ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सारे पुए को सेक लिया है। अब हमारा स्वीट में तैयार हो गया है छेने की खीर और पुए। अब हम तैयार करेंगे अपनी सब्जियाँ। तो सबसे पहले मैं पुए के बाद पनीर मैरिनेट करूँगी। मैं बना रही हूँ पनीर अफगानी। हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक को पीस लीजिए, उसमें दही डाल के भी उसको पीस लीजिए। अब मैंने पनीर काट लिया है क्यूब्स में, इसमें डाल दीजिए ये चटनी, और ये जो पोस्त काजू थे वो भी पीस लीजिए, उसका पेस्ट भी डाल दीजिए। नमक डाल के इसको सबको काली मिर्च डाल के मिक्स करके मैरिनेट कर दीजिए 2 घंटे के लिए। जब तक मैं और सब्जियाँ बना रही हूँ ये मैरिनेट हो जाएगा। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिना लहसुन प्याज के सारा खाना बन रहा है।
अब टमाटर और अदरक को पीस लूँगी, बनाऊँगी मैं आलू टमाटर। तो आलू उबाल लिए और मैश कर लिए हैं, कुकर में ऑयल डाला है, हींग जीरा डाला है और टमाटर वाला पेस्ट डाल दिया है। अब हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया ये सब डाल दिया है मैंने, एक एक टी स्पून, और हाफ टी स्पून डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। जिस तरीके से मैंने आलू टमाटर छौंके हैं उसी तरीके से मैं छोले भी छौंकूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने छोले छौंकना नहीं दिखाया है। तो अब जब ये मसाला हो गया है तो इसमें आलू डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए और हरा धनिया पत्ती डाल देंगे हम। हमारे आलू टमाटर भी बन गए हैं। हम बनाएंगे रायता। दही को मैश कर लीजिए, बूंदी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और काला नमक डाल के हींग जीरे का तड़का लगा दीजिए। तो हमारे आलू टमाटर तैयार हो गए और ये रायता भी तैयार हो गया है बूंदी का। मैंने छोले उबाल लिए एक सीटी लगा के, उसमें छोले मसाला डाल दिया क्योंकि लहसुन प्याज नहीं है, छोले मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जैसे मैंने आलू टमाटर छौंके थे सेम ऐसे ही इसको छौंक दिया है। तो हमारी सब्जियां हो गई हैं। अब हम बनाएंगे दही के आलू। तो दही के आलू के लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, उनमें काला नमक डाला है, उसके स्लाइसेस में काट लिया है, दही डाला है, खट्टी मीठी इमली की चटनी डाली है, सौंठ जिसको बोलते हैं, हरी धनिया की चटनी डाली है और भुना हुआ जीरा ऐड कर दिया है। तो हमारे दही के आलू भी रेडी हो गए हैं। और मैंने सूखा गोभी आलू भी बनाया था। हम अपना अफगानी पनीर बिना लहसुन प्याज का छौंकेंगे। तो थोड़ा सा बटर लिया है, थोड़ा सा देसी घी, उसमें मैरिनेट करा हुआ सारा पनीर डाल दिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दिए। अब इसको बहुत बढ़िया तरीके से भूना है मैंने, 7-8 मिनट लगे हैं और तैयार है हमारा अफगानी पनीर। हरा धनिया हरी मिर्च डाल के इसको गार्निश कर दिया है। अब हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी। तो आलू की कचौड़ी बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी मैं आज। आटे में नमक, मिर्च, सौंफ, हरा धनिया, हरी मिर्च और मैश करा हुआ 3-4 आलू हैं ये, इसको सबको मिक्स कर लेंगे और इसका एक आटा लगा लेंगे। ये बहुत जल्दी कचौड़ी बन जाती है, इनका टेस्ट भी अच्छा आता है, ऐसा नहीं कि इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, और इजी रहता है जब बहुत ज़्यादा काम होता है। ऑयल लगा के मैंने ये पूड़ियों का आटा तैयार कर दिया है। हम तलेंगे उड़द की दाल के पापड़। त्योहारों पे बिना पापड़ के तो स्वाद ही नहीं आता है, तो मैंने पापड़ तल लिए उड़द की दाल के। अब मैं बनाऊँगी कचौड़ियाँ आलू की। ये देखिए मैं कचौड़ी सेक रही हूँ, ऑलमोस्ट सारा काम हो ही गया है, बस थाली लगनी रह गई है। तो मैंने कचौड़ियाँ भी सेक ली हैं। ये देखिए मेरी बेटी हंसाती जा रही है और मैं काम करती जा रही हूँ। ऐसे काम का कोई बाहर नहीं लगता है, ईजीली काम हो जाता है। अब मैं थाली तैयार कर रही हूँ। सूखा गोभी आलू, दही के आलू, आलू की कचौड़ी, पुए और ये काले छोले बनाए थे, आलू टमाटर, अफगानी पनीर, बूंदी का रायता, जीरा राइस, ये सब मैंने तैयार कर लिया है। अब देखिए हमने छेने की खीर बनाई थी, कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो हाउस वाइफ हाउस मेकर नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से ही सब लेना, कभी आप अपने हाथ से बनाएंगे तो बहुत ही स्वाद लगेगा। ये रेडी है, देखिए मेरी थाली बहुत ही हैवी हो रही है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है पापड़ के साथ। सब लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया इस खाने को, आप भी इंजॉय कीजिएगा बिना लहसुन प्याज की हमारी दिवाली स्पेशल थाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।